बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार के पास भी जा सकते हैं। स्थानीय प्रशासन से गुजारिश है कि फिलहाल ये अपने माध्यम से हम लोग के पैसा सब रिकवरी करा दिया जाए। करने पर हम लोग अनशन पर भी बैठ सकते हैं, धरना प्रदर्शन भी। हमको भरोसा उस पर नहीं हो रहा था, हम बोले कि हमको पैसा दे दो, हमें एडमिशन नहीं करवाना। लगन कुमार पांडे को दिए थे पैसा कितना? 90,000 के। यहाँ की लगन कुमार पांडे के दिए 90,000 रुपया और कैश दिए 40,000 रुपया। बोला कि जी एन एम में एडमिशन करा देंगे गुरु गोविंद में, नकली बोना फाड़ दिया। 3 बार मेरे बेटे की टिकट कैंसिल कराया, बोला कि कॉलेज में पढ़ने के लिए आप जाइएगा, आप भेजेंगे, आप भेजेंगे। 5,000 भाड़ा भी लग गया, दो आदमी आते आते। पढ़ाई का पैसा हम लोग गरीब आदमी हैं, पैसा फंस गया। जे एन एम एडमिशन के नाम पर फर्जीवाड़ा। A to Z एडुकेशनल मैनेजमेंट एंड वेलफेयर फाउंडेशन ने की करोड़ों की ठगी। सुंदर भविष्य का सपना दिखाकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के 100 से ज्यादा छात्र छात्राओं के साथ A to Z एडुकेशनल मैनेजमेंट एंड वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़ा करने का मामला प्रकाश में आया है। ये आरोप ठगी का शिकार हुए छात्र छात्राओं एवं उनके परिजन ने फाउंडेशन के निर्देशक लगन कुमार पांडे पर लगाया है। पीड़ित छात्र धर्मवीर कुमार के मुताबिक उनके अलावा लगभग 150 छात्र छात्राओं ने पंजाब के भटिंडा स्थित गुरु नानक नर्सिंग इंस्टीट्यूट में JNM में नामांकन के लिए लगन कुमार पांडे को लगभग 1-1 लाख रुपए दिए, लेकिन पैसे लेने के बाद पांडे ने उन्हें जो फीस रिसिप्ट और बोनाफाइड लेटर दिया वह बाद में फर्जी निकला। दरअसल छात्र छात्राओं ने जब भटिंडा स्थित गुरु नानक नर्सिंग इंस्टीट्यूट में अपने नामांकन को लेकर जानकारी मांगी तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। इंस्टीट्यूट प्रबंधन ने सीधे तौर पर कहा कि लगन कुमार पांडे ने किसी भी विद्यार्थी का नामांकन नहीं कराया है, बल्कि वह फर्जीवाड़ा कर रहा है। वहीं पीड़ित जितेंद्र कुमार, संतोष कुमार, सुनील कुमार व संगीता देवी ने बताया कि जब उन्हें ठगी होने का शक हुआ तो सभी ने लगन कुमार पांडे से अपने पैसे वापस मांगे, जिसके बाद लगन कुमार पांडे नंदलाल छपरा स्थित होटल ग्रैंड सेलिब्रेशन बिल्डिंग के 4th मंजिल के रूम नंबर 404 में बनाए अपने कार्यालय को बंद कर फरार हो गया। इसके बाद जब पीड़ितों ने सोनपुर स्थित लगन कुमार पांडे के पैतृक आवास जाकर उसे पकड़ा तो आरोपी ने सभी को उनके पैसे वापस करने के नाम पर बैंक चेक थमा दिया, जो बाद में बाउंस हो गया। इतना ही नहीं, पीड़ितों का कहना है कि स्थानीय रामकृष्ण नगर थाना भी उनकी मदद करने में आनाकानी कर रहा है। ऐसा हम नहीं, पीड़ित बता रहे हैं। सभी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी उन्हें न्याय देने की गुहार लगाई है। देखिए क्या कुछ मामला है इस पूरे रिपोर्ट में, क्या कुछ कह रहे हैं पीड़ित परिजन और पीड़ित बच्चे छात्र छात्राएं इस पूरे रिपोर्ट में। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार के पास भी जा सकते हैं। स्थानीय प्रशासन से गुजारिश है कि फिलहाल ये अपने माध्यम से हम लोग के पैसा सब रिकवरी करा दिया जाए। अन्यथा नहीं करने पर हम लोग अनशन पर भी बैठ सकते हैं, धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। SSP, DM, बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी के जनता दरबार में हम लोग पहुँचेंगे, लेकिन सभी से गुजारिश है कि हम लोग के पैसा रिकवरी करा दिया जाए। हम लोग को बच्चे का पैसा फंसा है, पैसा ललन कुमार पांडे सोनपुर में रहता है, उससे पैसा वापस कराया जाए। इसके लिए करीब करीब 95,000 रुपया हम दे चुके थे और कुछ मेरा चेक भी काट दिया है, 85,000 का चेक भी दिया है। और फिर चेक क्यों दिया? 95,000 आप दे दिया, 85,000 चेक दे दिया, क्यों दिया उस चेक? बोला कि अभी फिलहाल पैसा रिटर्न, हम बोले कि हमको पैसा रिटर्न दिया जाए। और जब एडमिशन का प्रूफ मांग रहे थे तो हमको भरोसा उस पर नहीं हो रहा था, हम बोले कि हमको पैसा दे दो, हमें एडमिशन नहीं करवाना। तो वही चीज़ को लेकर वो दे दिया चेक कि अभी फिलहाल इतना लो, आगे हम फिर और देंगे। कब का मामला है ये चेक? तो फिलहाल लगता है कि जनवरी फरवरी में चेक कटा हुआ है और मामला ये 2022 का है, नवंबर दिसंबर में। यहाँ चेक वो आपको जो मिला वो भंग गया? वो नहीं, चेक भाजा नहीं है, वो बाउंस कर गया। पटना सुनील कुमार वर्मा से, मैं अपना भंगना के लिए JNM में लगन कुमार पांडे को दिए थे पैसा। कितना? 90,000 कैश। कब दिए? जनवरी 2022 में सर।
क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद वो अच्छी डुप्लीकेट दे दिए, क्या बोलता है बोनाफाइड। उसके बाद हम कह के चलते हैं वहाँ कॉलेज में, तो टाल मटोल करके नहीं गया। फिर हम पता लगाए तो कहाँ था कॉलेज, जहाँ गए थे? गुरु नानक पंजाब में था। तो वहाँ गए तो क्या पता चला आप लोग? एडमिशन नहीं है, कहीं उसको प्रेशर दिए कि पैसा हमको दो, तो टाल मटोल करके खाली करके भाग दिया। उसके बाद हम कुछ 5-7-8 लड़के जाके उसको पकड़े घर, वहाँ पैसा नहीं कि कैश नहीं है, हमको अभी चेक काट के दे देते हैं हजार लोग में, तो चेक काट के 45-45 हज़ार दिया। उसके बाद बैंक में धरा हुआ गए, उसके बाद उसका अकाउंट में जीरो बैलेंस था, बाउंस हो गए। और आगे इसका थाना उना में कहीं गए? थाना में गए थे तो थानेदार बोला, हम धनरू थाने में गए थे, तो थानेदार बोला कि जाओ न्यायालय में, तो हम सिविल कोर्ट में केस किए हुए थी। लगन कुमार पांडे के दिए 90,000 रुपया और कैश दिए 40,000 रुपया। बोला कि जी एन एम में एडमिशन करा देंगे, तो हाँ भटिंदा में गुरु गोविंद में नकली बोना फाट दिया। और बोला कि 3 बार मेरे बेटे की टिकट कैंसिल कराया, बोला कि कॉलेज में पढ़ने के लिए आप जाइएगा, आप भेजेंगे, आप भेजेंगे, अब भेजा नहीं। यहाँ आते आते 3 साल से मामला चल रहा है, मेरा तो 5-6 हज़ार भाड़ा भी लग गया, 2 आदमी आते आते। अब पढ़ाई का पैसा, हम लोग गरीब आदमी हैं, पैसा फंस गया। कहाँ से आप, कहाँ घर आपका? मेरा घर है उधर बड़ी के भाई। अब बात नहीं होता उन लोग से जिसको पैसा दिया था आप लोग? नहीं, बात वो होता था पहले, ऑफिस छोड़ के भाग गया तो मोबाइल उस सिम बदल लिया, दूसरा सिम ले लिया। अब बात नहीं होता, आपने भी चेक किया है? उसको घर पर गए सर सोनपुर, उसका अति बाप है जो बहुत गाली बक्का, उसका और सब परिवार अति गाली बक्का।